नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति की बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने करियर में बहुत से लोगों की नैया पार की है। ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, ये बहुत प्रभावशाली मल्टी लेवल मार्केटर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सोनू शर्मा की। नेटवर्क मार्केटिंग में महारत हासिल करने के साथ साथ लोगों को बिक्री कैसे करनी चाहिए जैसे समस्याओं को लेकर समाधान कराते हैं। मैंने इनकी लगभग सभी वीडियो देखी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग में जीत हासिल कराई है। जी हाँ, हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सोनू शर्मा जी की। भारत में जन्मे सोनू शर्मा का जीवन बहुत साधारण और सामान्य रहा है। सोनू शर्मा एक साधारण से परिवार में जन्मे, या यूं कह सकते हैं कि सोनू शर्मा एक सामान्य परिवार जो ना ज्यादा अमीर था और ना ही ज्यादा गरीब परिवार था। सोनू शर्मा का कहना था कि उन्होंने बचपन से ही आर्थिक तंगी देखी है और जिसकी वजह से उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता था। सोनू शर्मा पढ़ाई में सामान्य थे। उन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई शुरू की और आगे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अकाउंटेंट के शिक्षक के तौर पर अपना करियर बनाया। और सोनू शर्मा अपने सेमिनार के दौरान हमेशा ही लोगों को आगे बढ़ने और अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। सोनू शर्मा ने भी ज्यादा पैसे कमाने के अत्यंत प्रयास किए हैं, जिसमें उन्होंने नेटवर्किंग व्यापार को ही सही समझा और उनका ये फैसला आज उनको उस मुकाम पर ले गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सोनू शर्मा बेहद रचनात्मक व्यक्ति है। उनके बोलने का तरीका और उनके विचार बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। आज हजारों की संख्या में लोग उनके सेमिनार अटेंड करने दूर दूर से आते हैं। सोनू शर्मा यूट्यूब पर खुद का चैनल भी चलाते हैं, जिस पर वे मोटिवेशनल वीडियो और सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीच डालते हैं, जिन्हें रोजाना लाखों लोग देखते हैं। सोनू शर्मा के विचारों से आज लाखों युवा प्रेरित हो चुके हैं और सोनू शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। युवा वर्ग के लोग अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। सोनू शर्मा एक साधारण से परिवार से हैं। उन्होंने भी गरीबी का मुंह देखा है। आज के समय में उन्होंने काफी ऊंची कामयाबी पाली है। सोनू शर्मा ने अपने जीवन में हमेशा से ही बड़ा करने की सोची है। सोनू शर्मा एक ट्यूशन टीचर थे। उन्हें अकाउंटेंसी पढ़ाने में बहुत ही आनंद आता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का क्षेत्र चुना। सुबह 5 बजे उठने की आदत है इनकी और आधा घंटा पूजा करने की भी आदत है। आज के समय में लाखों हजारों की तादाद में लोग उनके सेमिनार देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। सोनू शर्मा के घर में माता, पिता, पत्नी के सिवा और भी लोग रहते हैं। सोनू शर्मा ने शुरुआत एक अकाउंटिंग के टीचर से की थी। आज के समय में बहुत नाम के साथ अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। आज वह भारत के सबसे युवा प्रेरणादायक अध्यक्षों में से एक हैं। उन्होंने अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने गतिशील व्यक्तिगत संदेशों को विश्व के विपरीत पक्षों में ले लिया है। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में उनके 19 साल के शोध और समझ ने कई संगठनों को विकास और पूर्ति के रास्ते पर ला खड़ा किया है। इंडिया में 12 से अधिक राज्यों में उनकी गतिशील कार्यशालाओं में दसियों हजार लोगों को फायदा हुआ है और 202 देशों में यूट्यूब पर उन्हें 20 मिलियन लोगों ने सुना है। पिछले कुछ वर्षों में 5 लाख लोगों ने भारत में अपने लाइव सेमिनार में भाग लिया है। श्री शर्मा भारत में अग्रणी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में से एक में क्राउन एम्बेसडर और सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यक्ति हैं। अभी भी श्री शर्मा अपनी पत्नी और माता पिता के साथ फरीदाबाद में रहते हैं। सोनू शर्मा का जीवन ही बदल गया जब से उन्होंने नेटवर्किंग की शुरुआत की और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग MLM से नेटवर्किंग की वो ऊंचाइयां पाई जो बहुत ही मुश्किलों से मिलती हैं। सोनू शर्मा ने 14 सितंबर 2005 से नासविस से अपना सफर शुरू किया और नेटवर्किंग में कदम रखा। नासविस सोनू शर्मा द्वारा स्थापित एक पहल है, जहां IT उद्योग और प्रत्यक्ष बिक्री में दर्शकों के संचयी अनुभव वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों के समूह द्वारा काम किया जाता है। श्री सोनू शर्मा भारत में अग्रणी नेटवर्क विपणन कंपनी में से एक में राजदूत और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर विकास में सबसे अच्छी विशेषज्ञता है। कुशल टीम के पास कई कॉरपोरेट, सरकार और अर्ध सरकारी ग्राहकों के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर समाधान है।
पहल अपने स्वयं के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के साथ निर्माताओं से सीधे उत्पादों की खरीद करती है। वे कई व्यक्तियों के लिए एक अद्भुत मंच प्रदान करते हैं जो उभरते उद्यमियों के रूप में काम करना चाहते हैं। सोनू शर्मा जी के साथ घटी एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सोनू शर्मा जी के साथ यह घटना उस समय घटी थी जब सोनू शर्मा जी के करियर की शुरुआत हो रही थी। तो उस दौरान क्या हुआ था कि सोनू शर्मा ने नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर कर चुके थे, तो एक बार उन्हें एक मीटिंग में जाना था और उनके पास उनकी एक कार थी जो पुरानी गाड़ी यानी सेकंड हैंड सेंट्रो कार थी। सोनू शर्मा जी काफी लोगों को उस कार के अंदर बैठा कर लेकर जा रहे थे और रास्ते में उस कार का पंचर हो गया। उस कार के पंचर होने के बाद सोनू शर्मा जी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्हें चाहे जरा सा भी नहीं किया। वह समय था कि या तो वह अपने उदासी में लग जाते या फिर अपने आने वाले भविष्य को देखते। तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को फोन किया कि तेरे पास कोई गाड़ी है? उनके मित्र ने कहा, भाई गाड़ी तो नहीं है लेकिन ओमनी गाड़ी की स्टेपनी है। सोनू शर्मा जी ने कहा कि एक काम कर, तू लेकर आ जा। सोनू शर्मा जी ने सेंट्रो कार के अंदर ओमनी गाड़ी का स्टेपनी सेट कर दिया, लेकिन ओमनी टायर का साइज सेंट्रो कार के टायर से छोटा था। गाड़ी में काफी लोगों के भरे होने की वजह से गाड़ी का एक हिस्सा टायर छोटे होने की वजह से एक तरफ जा रहा था और गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सोनू शर्मा जी ने गाड़ी अच्छी स्पीड में चलाकर टाइम पर पहुंचाया और यह साबित करके दिखाया कि यदि आप किसी चीज की चाह कर लो तो वह उसे हासिल कर ही लोगे। उस यात्रा के दौरान उनके साथियों ने सोनू शर्मा जी को काफी गालियां सुनाई थी, लेकिन जब सोनू शर्मा जी ने उन्हें टाइम पर पहुंचा दिया तो उन्होंने ही उनकी तारीफ की और यह बोला कि सोनू शर्मा जी बहुत बड़े आदमी बनेंगे। और आज यह बात सच हो चुकी है। अब शायद आपको सोनू शर्मा की जीवनी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल ही गई होगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो आपका एक शेयर हमें बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। किसी भी व्यक्ति विशेष की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर करें, हम आपको जरूर जानकारी देंगे। साथ ही इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।